नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म। कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास हैं। यह भारतीय गैंगस्टर त्रय में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में, जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया, जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोइराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सहित और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था, जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या
एक मनचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोपीकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा मुक्त 2002 शैली गीत संगीत लंबाई 39.2 लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 वादे हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले सपना अवस्थी अल्ताफ रजा बाबुल सुप्रियो सोनाली वाजपेयी सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहाँ तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोपीकर द्वारा लिपस्टिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Reddit.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट वेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आंखों में बोल लिखे हैं तावीश रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा,
गायकार हैं संदीप चौटा, गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट गायकार संगीतकार हैं सहायक संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक, गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोइराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक
की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई की एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा मुक्त 2002 शैली गीत संगीत लंबाई 39.2 लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा कंपनी का साउंडट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं जिनमें से 2 वादे हैं आशा भोसले सुदेश भोसले सपना अवस्थी अल्ताफ रजा बाबुल सुप्रियो सोनाली वाजपेयी सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट वेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी संगीत दिया है संदीप चौटा गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी
संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स, बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है, बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म, कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्विनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोइराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है
और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला। खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था, जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोपिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव, डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी, कृष्ण के रूप में असरफुल हक, कोड़ा सिंह के रूप में विजय राज, राजेंद्र सेठी सईद के रूप में गोपाल के सिंह, सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत, लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज, निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहाँ तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोपिकर द्वारा लिपस्टिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Reddit.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास
बोल नितिन रायकवार हैं, संगी संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर दो तुमसे कितना, बोल लिखे हैं तावीज़ रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर तीन प्यार प्यार में, बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर चार आँखों में, बोल लिखे हैं तावीज़ रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर पाँच खल्लास रिमिक्स, बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर छः गंधा है, बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर सात कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर आठ मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म, कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्विनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़। रिलीज़ की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सहित और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था, जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त वारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव, डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी, कृष्ण के रूप में, अशरफुल हक, कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज, राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह, सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत, लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज, निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंडट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले, सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने
कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपस्टिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट वेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर दो तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर तीन प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर चार आँखों में बोल लिखे हैं तावीश रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर पाँच खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर छः गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर सात कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर आठ मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्विनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज, रिलीज़ की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था।
हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया, जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओवराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला। खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था, जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन आईपीएस आईजीपी और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय, चंद्रकांत, चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में, अजय देवगन, मनीषा कोयराला, सरोज के रूप में, सीमा विश्वास, रानीबाई के रूप में, अंतरा माली, कन्नू के रूप में, आकाश खुराना, बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव, डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी, कृष्ण के रूप में, असरफुल हक, कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज, राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह, सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत, लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज, निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंडट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सानी, नितिन रायकवार और तावीज़ रोमानी द्वारा लिखे गए थे।
एल्बम में 8 ट्रैक हैं जिनमें से 2 वादे हैं, आशा भोसले, सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में
बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्य में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते जिसमें ओवराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सहित और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला। खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त वारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन आईपीएस आईजीपी और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय, चंद्रकांत, चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में, अजय देवगन, मनीषा कोयराला, सरोज के रूप में, सीमा विश्वास, रानीबाई के रूप में, अंतरा माली, कन्नू के रूप में, आकाश खुराना, बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव, डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी, कृष्ण के रूप में, असरफुल हक, कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज, राजेंद्र सेठी सहित के रूप में, गोपाल के सिंह, सुरतीस
आदमी के रूप में गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा मुक्त 2002 शैली गीत संगीत लंबाई 39.2 लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा कंपनी का साउंडट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था जिसके बोल सानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं जिनमें से 2 बातें हैं आशा भोसले सुदेश भोसले सपना अवस्थी अल्ताफ रजा बाबुल सुप्रियो सोनाली वाजपेयी सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीज रोमानी संगीत दिया है संदीप चौटा गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीज रोमानी संगीत दिया है संदीप चौटा गायकार हैं सौम्या राव। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार संगीत दिया है संदीप चौटा गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सानी संगीत दिया है संदीप चौटा गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट गायकार संगीतकार हैं सहायक संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल अजय देवगन विवेक ओबराय मनीषा कोइराला अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित जयदीप साहनी द्वारा निर्मित राम गोपाल वर्मा श्री अश्विनी दत्त बोनी कपूर अभिनीत मोहनलाल विवेक ओबराय अजय देवगन मनीषा कोइराला सीमा विश्वास अंतरा मलिक वर्णनकर्ता मकरंद देश पांडे छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा संगीत दिया है संदीप चौटा उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन बैजंती मूवीज रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002 कार्यकारी समय 155 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 9.50 करोड़ बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़
वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्य में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते जिसमें ओवराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सहित और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला। खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल वीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में,
विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में राजपाल यादव, डेविड खान के रूप में शब्बीर मसानी, कृष्ण के रूप में असरफुल हक, कोड़ा सिंह के रूप में विजय राज, राजेंद्र सेठी, सईद के रूप में गोपाल के सिंह, सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत, लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज, निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था जिसके बोल सहनी नितिन रायकवाड़ और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं जिनमें से 2 बातें हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवाड़ हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीज रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीज रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देश पांडे, छायांकन
हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां बर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़, रिलीज़ की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। बर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने बर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। बर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्य में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते जिसमें ओवराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सहित और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त वारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के 2 गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना
मोहनलाल बीरप्पली श्रीनिवासन आईपीएस आईजीपी और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला माथुरकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव, डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी, कृष्ण के रूप में असरफुल हक, कोड़ा सिंह के रूप में विजय राज, राजेंद्र सेठी सईद के रूप में गोपाल के सिंह, सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत, लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज, निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था जिसके बोल सहानी नितिन रायकवाड़ और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवाड़ हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीज रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीज रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोयराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है।
निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित जयदीप साहनी द्वारा निर्मित राम गोपाल वर्मा श्री अश्विनी दत्त बोनी कपूर अभिनीत मोहनलाल विवेक ओबराय अजय देवगन मनीषा कोयराला सीमा विश्वास अंतरा मलिक वर्णनकर्ता मकरंद देश पांडे छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा संगीत दिया है संदीप चौटा उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन बैजंती मूवीज रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002 कार्यकारी समय 155 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 9.50 करोड़ बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़ वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्य में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई मोम्बासा नैरोबी हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत चंदू नागरे वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सहित और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला। खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी
वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल बीरप्पली श्रीनिवासन आईपीएस आईजीपी और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहनी नितिन रायकवाड़ और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवाड़ हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोयराला,
अंतरामाली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोयराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देश पांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोयराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त वारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को
नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल बीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा मुक्त 2002, शैली गीत संगीत लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था जिसके बोल सहानी नितिन रायकवाड़ और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले सपना अवस्थी अल्ताफ रजा बाबुल सुप्रियो सोनाली वाजपेयी सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवाड़ हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवाड़, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें।
उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002, फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास है। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देश पांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोइराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई के एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के 2 गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके
विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल बीरप्पली श्रीनिवासन आईपीएस आईजीपी और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोप्पिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंड ट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोप्पिकर द्वारा लिपसिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और
चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002, फिल्म कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास हैं। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देश पांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोइराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त वारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद
मुंबई की एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल बीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला मातोंडकर, ईशा कोपिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सईद के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्त 2002, शैली गीत संगीत लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंडट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज़ रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोपिकर द्वारा लिपस्टिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा और गायकार हैं सहायक। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कंपनी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी मूवियों का, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कंपनी 2002 फिल्म। कंपनी राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और जयदीप साहनी द्वारा लिखित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की गैंगस्टर फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल, अजय देवगन, विवेक ओबराय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा विश्वास हैं। यह भारतीय गैंगस्टर त्रयी में दूसरी फिल्म है और सत्या 1998 की अगली कड़ी है। कंपनी मलिक नाम के गैंगस्टर के गुंडे चंदू का अनुसरण करती है, जिसके साथ वह एक संबंध बनाता है जो अंततः उनके बीच तनाव पैदा होने के बाद टूट जाता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, जयदीप साहनी द्वारा निर्मित, राम गोपाल वर्मा, श्री अश्वनी दत्त, बोनी कपूर, अभिनीत मोहनलाल, विवेक ओबराय, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सीमा विश्वास, अंतरा मलिक, वर्णनकर्ता मकरंद देशपांडे, छायांकन हेमंत चतुर्वेदी द्वारा संपादित चंदन अरोड़ा, संगीत दिया है संदीप चौटा, उत्पादन कंपनियां वर्मा कॉरपोरेशन, बैजंती मूवीज़, रिलीज की तारीख 12 अप्रैल 2002, कार्यकारी समय 155 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 9.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस 25.2 करोड़। वर्मा ने हनीफ नाम के एक व्यक्ति से मिलने के बाद फिल्म के विचार की कल्पना की, जो 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद 5 साल तक जेल में रहा था और उसकी डी कंपनी में डकैत और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था। हनीफ ने वर्मा को इब्राहिम और छोटे राजन के बीच अनबन के बारे में बताया। वर्मा के पास बहुत सी जानकारी थी जिसका उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पुलिस प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्या में उपयोग नहीं कर सके क्योंकि यह एक फिल्म के लिए बहुत अधिक थी। फिल्म को मुंबई, मोम्बासा, नैरोबी, हांगकांग और स्विट्ज़रलैंड के कई स्थानों पर बनाया गया था। हेमंत चतुर्वेदी ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया जबकि चंदन अरोड़ा ने फिल्म का संपादन किया। कंपनी को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ 12 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके उत्पादन बजट 7 करोड़ के मुकाबले 25.2 करोड़ की कमाई की। इसे ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल और फ्राइबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 48वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिसमें ओबराय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, देवगन के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोइराला के लिए क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए चंद्रकांत, चंदू, नागरे, वह धीरे धीरे व्यापार सीखता है और गिरोह के मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे गिरोह के नेता मलिक के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ जाती है। मलिक और चंदू एक अन्य गिरोह के अपने प्रतिद्वंदियों सईद और उसके भाई अनीस को एक कार की पिछली सीट पर मार देते हैं। अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने के लिए मलिक ने अपने सभी विरोधियों को मार डाला, खूनी भगदड़ शुरू कर दी। कभी जेल में चंदू को प्रताड़ित और गाली देने वाले इंस्पेक्टर राठौर को मलिक की अनुमति से मार दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के दौरान मलिक को चंदू में बहस होती है। चंदू जानबूझकर वाहन दुर्घटना को रोकता है और मलिक पक्ष में पड़ जाता है। अनुबंध एक राजनेता द्वारा लिया गया था जो गृह मंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार को ख़त्म करने के लिए मलिक के गिरोह का उपयोग करने की कोशिश करता है। हत्या एक मंचित वाहन टक्कर चंदू की आपत्ति के बावजूद मलिक के बाद होती है, जो अब चंदू पर निर्भर नहीं है, सीधे आदेश देता है। चंदू और मलिक के बीच दरार और बढ़ जाती है। मुंबई के पुलिस आयुक्त वीरप्पली श्रीनिवासन
माफिया को नियंत्रण में लाने के लिए दरार का उपयोग करता है। चंदू और मलिक कड़वे दुश्मन बन जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट और चंदू के आजीवन दोस्त बारसी की हत्या के लिए चंदू के प्रतिशोध के बाद मुंबई की एक बार शक्तिशाली गिरोह कंपनी के दो गुटों ने एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया। मलिक और चंदू अपने विरोधियों के गिरोह के अधिक से अधिक सदस्यों को मार डालते हैं। श्रीनिवासन की आलोचना की जाती है, लेकिन वह और उसके लोग जानते हैं कि चूंकि गिरोह के कई सदस्य मारे जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध उनके विभाग के लिए मलिक और चंदू को ठिकाने लगाना आसान बना रहा है। युद्ध केन्या में एक तीव्र पीछा का परिणाम है, जिसके दौरान मलिक चंदू को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है, जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। श्रीनिवासन ने चंदू को मुंबई वापस आने और पुलिस को माफिया को नियंत्रण में लाने में मदद करके मलिक के साथ युद्ध लड़ने के लिए राजी किया। चंदू ने उस राजनेता को जेल में मार डाला जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आदेश दिया था। चंदू और मलिक के बीच एक समझौता हो जाता है, लेकिन चंदू मलिक को मारने के लिए अपने एक सहयोगी कोड़ा सिंह को दिए गए आदेश को भी कभी वापस नहीं लेता है। उसी समय कोड़ा ने मलिक को हांगकांग में पॉइंट ब्लैक रेंज में मार डाला और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद श्रीनिवासन चंदू को सूचित करता है, जो इस खबर से हैरान है। श्रीनिवासन द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किए जाने के बाद चंदू अपना शेष जीवन जेल में बिताता है। फेंकना मोहनलाल बीरप्पली श्रीनिवासन IPS IGP और मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में, विवेक ओबराय चंद्रकांत चंदू नागरे के रूप में, एन मलिक के रूप में अजय देवगन, मनीषा कोयराला सरोज के रूप में, सीमा विश्वास रानीबाई के रूप में, अंतरा माली कन्नू के रूप में, आकाश खुराना बिलास पंडित के रूप में, विशेष उपस्थिति में उर्मिला माथुरकर, ईशा कोपिकर एक विशेष उपस्थिति में, जोसेफ के रूप में, राजपाल यादव डेविड खान के रूप में, शब्बीर मसानी कृष्ण के रूप में, असरफुल हक कोड़ा सिंह के रूप में, विजय राज राजेंद्र सेठी सहित के रूप में, गोपाल के सिंह सुरतीस आदमी के रूप में, गीत संगीत कंपनी द ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक स्टूडियो एल्बम द्वारा संदीप चौटा, मुक्ति 2002, शैली गीत संगीत लंबाई 39.2, लेवल टी सीरीज निर्माता संदीप चौटा, कंपनी का साउंडट्रैक एल्बम संदीप चौटा द्वारा रचित था, जिसके बोल सहानी नितिन रायकवार और तावीज रोमानी द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 8 ट्रैक हैं, जिनमें से 2 बातें हैं, आशा भोसले सुदेश भोसले, सपना अवस्थी, अल्ताफ रजा, बाबुल सुप्रियो, सोनाली वाजपेयी, सौम्या राव और चौटा ने अपनी आवाज़ दी। इसे 15 फरवरी 2002 को टी सीरीज़ द्वारा जारी किया गया था। एल्बम को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा कि फिल्म केवल एक गीत बेहद लोकप्रिय खल्लास का दावा करती है, जबकि शेष गीत पृष्ठभूमि का हिस्सा बनते हैं। इंडिया टुडे की शीला रावल ने लिखा कि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं और कहा, यहां तक कि एकमात्र गीत खल्लास सेक्सी ईशा कोपिकर द्वारा लिपस्टिक एक अनावश्यक हस्तक्षेप की तरह प्रतीत नहीं होता है। Rediff.com के ज्योति शुक्ला ने कहा कि खल्लास फ्रंट बेंचर्स के लिए बाहर और बाहर है और फिल्म की गति को तोड़ता है। खल्लास बोल नितिन रायकवार हैं, संगीत संदीप चौटा हैं और गायकार आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी हैं। गाना नंबर 2 तुमसे कितना बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं अल्ताफ रजा। गाना नंबर 3 प्यार प्यार में बोल नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी। गाना नंबर 4 आँखों में बोल लिखे हैं तावीस रोमानी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं सौम्या रावो। गाना नंबर 5 खल्लास रिमिक्स बोल हैं नितिन रायकवार, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं आशा भोसले सुदेश भोसले और सपना अवस्थी। गाना नंबर 6 गंधा है बोल हैं जयदीप सहनी, संगीत दिया है संदीप चौटा, गायकार हैं संदीप चौटा। गाना नंबर 7 कंपनी का एक शॉट, गायकार संगीतकार हैं सहायक, संगीत दिया है संदीप चौटा ने और गायकार हैं सहायक। गाना नंबर 8 मलिक की आत्मा, गीतकार हैं सहायक और संगीतकार हैं संदीप चौटा।
और गायकार हैं सहायक। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।